हो रही है इफ्तारी रास्ते में, इसलिए सब पानी की बोतल ले रहे। बॉयज एंड गर्ल्स अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग गुड। 3 हफ्ते बाद आ रहे हैं हम लोग क्योंकि हम लोग भी चल रहे थे मीटर्स। क्या हाल है सर साहब? हैं आप भी चल रहे हैं? लेकिन बुरा यार, नींद में हम सो रह गए, इफ्तारी बनाने का टाइम नहीं मिला, तो सोचा आज के बाहर इफ्तारी की जाए। तो अब मैं और फिलहाल जा रहे हैं, अब हम टाइम पे पहुंचे, नहीं पहुंचेंगे तो पानी की बोतल ले लिया हमने। अगर रास्ते में रात सारा हो गया तो हम पानी पी लेंगे। हम लोग सोए रह गए थे क्योंकि कल रात को हम ज़्यादा सोए नहीं, इस वजह से अब हम लोग जा रहे हैं इफ्तारी के लिए, और इफ्तारी के लिए भी हम लोग लेट हो गए, इसलिए हमने पानी बोतल ले ली है। अब रास्ते में रोज़ा खुल जाएगा, अब फिर जाकर नाश्ता करते हो इफ्तारी करते जाके, उस भी एक रेस्टोरेंट वहाँ पे जा रहे थे आपको दिखाते। ओके, मिलते हैं आपको इंशाल्लाह उधर पहुँच के टाइम पर। ये बस है 102 और पता नहीं कितना टाइम लगाएगी अब आने में। पक्की बात, हम लोग पूरे 20-25 मिनट लेट हो गए। رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت अभी हम लोग बस से उतर के पहुंच चुके हैं अपनी जगह, डेस्टिनेशन पर पहुंचे। यहाँ से हम लोग 10 मिनट की वॉक है, 15 मिनट की वॉक है, और ये 15 मिनट की वॉक जो है ना सबसे खतरनाक वाली वॉक है। वो इसलिए क्योंकि ये जो रास्ते हैं ना, ये इतने ज़्यादा स्टीप हैं कि आपकी सोच हो कि इतनी चढ़ाइयाँ चढ़नी पड़ती हैं, उतरनी पड़ती हैं। बस रोजे का गला दर्द कर रहा है मेरा। अभी जाते हैं, उन्हें फ़ोन कर दिया था हमने कि हम लोग आ रहे हैं, हमारे दो बंदों का बुकिंग कर दीजिए। रोज़ा तो खुल जाना रास्ते में, लेकिन कोई नहीं, फिर सब कुछ साथ साथ ही मिलते हैं आपको वहाँ। ये आप देख रहे हैं कितनी स्टीप है, ये देखें गाड़ी कैसे नीचे आ रही है। यहाँ से बंदा किसी को ऐसे दिखा रहे हैं ना, रोल करता नीचे आए। हो ये देख, और आप ये अंदाज़ा लगा लें ये कितना ज़्यादा स्टीप। ओ मर गए। ऐसे ऐसे चलना पड़ेगा, पकड़िए ऐसे, मैं तो दिखाता हूँ कैसे चलना। ऐसे 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 बंदा सामने से चल रहा है, और यहाँ से पूरा का पूरा शहर नजर आ रहा दिखा नहीं। किधर जाके लोगों ने रेस्टोरेंट बनाया हुआ, बोले क्या व्यू आ रहा है। और ये इस यूनिवर्सिटी है वुसन, ये काफ़ी फेमस है ये यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे। अफ्तारी हम लोगों ने की है जी, पानी पी के। अफ्तारी हो चुकी है, आधा घंटा हो गया। नीचे दिखाओ भाई, ये देखें ये खा रहे हैं हम लोग बैठ, पानी पिया बस, पानी पिया सिर्फ, तारीफ में कुछ नहीं पिया, और आधे घंटे से वेट कर रहे हैं। रश इतना ज़्यादा है कि बाहर 20 लोग खड़े हैं, और ऐसे ऐसे लोग खड़े हैं ना, दिखा सकते ना बता सकते। समझ रहे आप, बस अपना खाना जी आ चुका है, और बस अब आलू शालू खाते हैं। ये इसने लगवाया, मैंने लगवाया, ये पहली बार हम लोग आ रहे हैं, और अभी खा के फिर आपको मिलते हैं इफ्तारी में। बहुत भूख लगी है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो गाइस इस टाइम हम लोग खा पी कर फुल पेट भर कर आधा सामान छोड़ कर आ चुके हैं, और अंदर इसलिए वीडियो नहीं बनाई कि इतना रश था अंदर, आपकी सोच होगी उस बीक की इतने भरे हुए थे अंदर, इतना ज़्यादा रश था कि आपको मैं कैमरा निकालने का मौका नहीं मिला। अब पेपर ख़त्म होते हैं तो फिर प्रॉपर तरीके से हर हफ्ते में एक वीडियो तो डालूंगा यार, मैं हर बार कहता हूँ, इस बार पक्की बार डालूंगा एक हफ्ते में एक वीडियो। ये देखें आज मैं, अभी मैं आपको एक फूड चीज़ दिखाने लगा हूँ कि कोरिया में फूड कितना महंगे। नीचे दिखाना भाई, ये 6 किलो का ये बन गया कुछ, तेई मान मतलब कि ये बन गया कोई पाकिस्तानी 6-7 हज़ार का, और पाकिस्तान में हम लोग कहते हैं भाई नहीं ये सस्ता है, सस्ता कर 20 रुपये किलो दे। فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا। गाइस आपने पहचानना है इन दोनों में से, ये इसका ये भाई ये है, ये बड़ा भाई है, ये बड़ा भाई है। मैं आपको शक्ल भी दिखा देता हूँ, ये देखें ये वाला बड़ा भाई है, ये वाला। दिखाएं थोड़ा सा मुंह साथ करना, ये थोड़ा सा कैसे दोनों इकट्ठे सेम लग रहे। तू है मेरी किरण। आपने बताना है इनमें से जो इसका भाई कौन सा है, वो बड़ा वाला था साथ वाला या ये बड़ा है, आपने ज़रूर कमेंट में बताना है। बता ठीक है ना भाई, आपने ये भी बताना है कि फिजान भी है इस तरह के। मैं नहीं लगता, मैं किस साइड से नहीं लगता, ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये मुझे दिखाना कैमरा, आप साथ बैठिए यार भाई। ये देख
बिल्कुल इस तरह शक्ल नहीं लगती भाई। अब मेरा हो गया। अब अभी हम लोग आए हैं जी, मेरा दिल कर रहा था कुछ शेक वगैरह पीने का ना, तो असद साहब ने कहा मैं आपको लेके जाता हूँ कोई अच्छी सी जगह। तो हमने ये किया कि ये हम पहली बार यहाँ पे आए हैं, चेक करते हैं कैसा निकलता है। देखने आते हैं, देखने से तो अच्छा लग रहा है, देखने से तो अच्छा लग रहा है, ट्राई करते हैं कैसा, दुआ करें कि हलाल होगा। चलने मजेदार 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 बहुत आला नहीं वो करता मजेदार मजेदार वो भी करते बहुत आला एक डाडो मजो आयो नहीं नहीं मच्छर पुत्र जिंदाबाद जिंदाबाद नहीं नहीं एक मिनट अब्बाजी कैसा लगा जिंदाबाद मच्छर पुत्र जिंदाबाद। अब जब लोग जा रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर रोमांटिक इधर कर रहे हैं, दिखाए हम जा रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी का एक बहुत मशहूर पार्क है जिसका नाम हमने रखा है रोमांटिक पार्क भाई, इसमें आपके भी घर वाले देख रहे होंगे। तो नहीं हम तुम भी नहीं जाते हम मैं सिर्फ अपने फॉलोअर्स को बता रहा हूँ, सब्सक्राइबर्स को बता रहा हूँ कि उसके अंदर हम जब भी जाते हैं ना तो हमें कोई ना कोई कोई ना कोई नहीं बल्कि तीन चार लड़कियों और लड़कों के जोड़े नजर आते हैं। ओके सारे गाने की आदत सी है मुझको वैसे जीने में आई नो इस टाइम ठंडी हवाएं चल रही हैं और इर्द गिर्द का माहौल चेक करें आप, वो हो जंगल ही जंगल हर जगह। ये हमारी यूनिवर्सिटी और अब इसे ख़त्म करते हैं और फिर रूम में जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज योर बॉय फिजान एंड असद स्ट्रेट फ्रॉम द साउथ। योर बॉय दिस इज योर बॉय फिजान कैमरामैन असद के साथ, कैमरामैन फिजान राना फिजान ऑफिशियल चैनल कल वाले दिन के साथ, कल भी जो वीडियो बनाऊंगा उसके साथ मिक्स करके फिर अपलोड कर दूंगा। तो आज वीडियो बना ही नहीं ली है हम लोगों ने, अभी मैंने आधी से ज्यादा नहीं बनाई जो हमने काम किए आज। अच्छा तो, नहीं बनाई तो मैं सोच रहा हूँ ये मैं वीडियो अपलोड कर दूं। तो यार अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो रीच कम हो चुकी है, लाइक करना कमेंट करना ताकि रीच फिर ज़्यादा हो जाए। कोई तरीका है भीख मांगने का? भीख तो हाथ जोड़ के मांगते आप लोग तो दादागिरी का। और बताना कि वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कट्टर वाम जो है ना वो जरूर बताएगी पता के लिए। BTS के दीवाने, BTS की लड़कियाँ जो दीवानी है ना वो जरूर कमेंट करेंगी, जरूर आएंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं कल। ओके बाय। मिठी गल्ला करे बिलो खंड वार की ही साडे दिलां दी तू धड़कन फास कर।